लेकिन अब आ गए हैं क्लॉक टावर और यहाँ हो गया जवानी शहरी। अरे अब्दुल्ला तुमको नींदू आ रही है, स्माइल करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल और सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भी सारी वीडियोस देखें और प्लीज़ सपोर्ट करें। और हम लोग जा रहे हैं इतनी रात को कहीं बाहर और हम लोग जा रहे हैं सहरी करने और ये पहली सहरी होगी मेरी ज़िंदगी की जो मैं घर से बाहर करूँगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आप लोग बताएं, कभी आप लोग ने कभी सहरी बाहर की है या नहीं की है? मेरी तो पहली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा और ये होगी थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं बाहर और पहली सहरी बाहर है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बच्चे भी बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत दिन से बाहर गए भी नहीं थे तो बच्चे बहुत खुश हैं कि हम उनको लेके निकले हैं वो भी इस तरह, और रोड्स भी सब खुली हुई मिलेंगी तो कितना मज़ा आएगा। सो फाइनली वी आर हेयर एंड वी आर एट क्लॉक टावर। जी हाँ, हम क्लॉक टावर आए हैं सहरी करने और इनका सहरी बफे ट्राई करेंगे आज और बहुत मज़ा आएगा। और इन लोगों ने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे और इतनी खूबसूरत लग रही है, इनके बाहर का पूरा एरिया इतना खूबसूरत लग रहा है, कांट वेट टू गो इनसाइड। और अंदर जाके देखते हैं कैसा है, लेकिन बाहर इन्हें इतना खूबसूरत डेकोरेट किया है, यू कैन सी दिस एंड वी ऑल आर एडमायरिंग देयर डेकोरेशन। और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि इसको अच्छे से देखें, इंजॉय करें और फिर अब हम अंदर जा रहे हैं एंड वी आर फाइनली इनसाइड। तो ये है इनका अंदर का एरिया और ये है ऊपर रूफ टॉप जाने की जगह थी वो सीढ़ियाँ, और ये है मेरे किड्स एट द वेटिंग एरिया। ओके जी, तो वेटिंग एरिया के बाद अब हम आ गए हैं इंडोर सीटिंग की तरफ और ये है इनका बुफे का एरिया जो कि है ग्राउंड फ्लोर पे और रूफ टॉप पे इनकी जो टाइमिंग होती है वो है बढ़िया। अच्छा, और बुफे में भी इन्होंने आउटडोर डाइनिंग भी दी हुई है, इंडोर डाइनिंग भी दी हुई है, ये देख सकते हैं ये आउटडोर डाइनिंग है और उस तरफ से समुंदर दिखता है, पूरा बीच दिख रहा है और बहुत खूबसूरत सा इन्होंने एम्बियांस रखा है, बहुत खूबसूरत डेकोर की है। ओके, तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट वी आर हेयर फॉर ऑफ कोर्स, और वो है ये खाने पीने की जगह। तो अब देखते हैं इन्होंने सहरी के बुफे में क्या क्या डिशेज रखी हुई हैं एंड दीज आर माई किड्स। एंड इनको अजीब सा लग रहा है कि इतनी रात को अम्मा अब बकर के आ रहे हैं, खाने के लिए क्यों घूम रहे हैं। तो ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये देखें, पहले हम आए हैं स्वीट डिशेस देखने और अब्दुल्ला जेली देख के बहुत खुश हो रहे हैं बिकॉज़ जेली है यहाँ पे, इतने मज़े की ब्राउनीज़ लग रही हैं ये हैं, और साथ में शाही टुकड़े हैं ये आप देख सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, और भी बहुत कुछ है ऑफ कोर्स। और इन्होंने बहुत अच्छे से जो है सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इनका हाइजीन भी है वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है। और आप भी देख सकते हैं ये सारी डिशेस और आई कांट आइडेंटिफाई देम। और ये देखिए आप, इनके पास कप केक्स भी हैं, फज में भी था, साथ में सीरियल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं एंड बहुत सारे सैलड्स की वैराइटीज़ हैं। तो ऑफकोर्स यू कैन ट्राई दिस आउट। ओके, सो सर्विंग अस विद सम डेजर्ट्स, साथ में यू कैन सी के मेरे जो निकाली हैं ये पुडिंग। अच्छा, मैं मेन बात बताती चलूँ, बुफे की प्राइस बुफे की एडल्ट है 1290 पर हेड और फॉर किड्स हैं ये 850 पर हेड, और किड्स अबाउट द एज ऑफ 4 चाहिए, 4 साल से बड़े बच्चे लिए है 850।
और आई थिंक इट्स प्रीटी रीजनेबल। अच्छा, आप बच्चे जाके बैठ रहे हैं अपनी जगह पे ताकि मैं सबसे प्रॉपर तरीके से सर्विंग कर सकूँ और साथ में शो भी कर सकूँ, तो लेट्स पिक अ प्लेट। और मुझे रीजनेबल लगी प्राइस बिकॉज ये देखें आप, ये इतने यमी से स्ट्रॉन्ग कढ़ाई के, और ये देखें आप, ये देखें छोले छोले का सालन है आई गेस, और साथ में कीमे थे। लेट मी शो यू मोर। और ये देखें, ये है रेड पास्ता, और साथ में वी हैव गॉट सम वाइट सॉस पास्ता एज वेल, और वाइट सॉस पास्ता बस प्रीटी यम्मी, मैंने ट्राई किया है, मैं बता रही हूँ। साथ में वी हैव गॉट सम फ्राइड राइस एंड इट लुक्स आल्सो वेरी यम्मी। एंड व्हाट एल्स वी हैव गॉट, वी हैव गॉट पैनकेक्स एंड पर्सनल कॉस्ट फॉर पैनकेक्स, वी विल ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज़ आई लव दैम। और साथ में वी हैव गॉट सम ऑलिव, सम मशरूम्स एंड सम आइटम सर्व्ड हियर, और साथ में ये सॉसेजेस हैं और बॉइल्ड एग्स हैं। सो यस, देखें कितनी सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे सॉसेज भी थे। तो आई रियली लव माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बाहर सेल करने का, अच्छी सेल करने का बहुत मज़ा। यू गाइस नो, अच्छा यहाँ पे हो रही है लस्सी सर्व, मीठी भी और फीकी भी। एंड नाउ मूविंग टू आवर टेबल, सीटिंग एरिया में ट्राई करेंगे खाना और बताएंगे आपको। एंड देन वी विल आल्सो गो टू द अदर साइड जो कि ओपन एयर है। ये देखिए अब हम जो खाना है, बहुत मज़े का, रियली टेस्टी, बहुत लजीज है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आई लाइक इट। एंड हियर ही इज़ विद माय सेकंड सर्विंग, एंड इस टाइम ही हैव ब्रॉट मी सम प्रॉन्स सॉसेजेस एंड कपकेक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ट्राई करने थे एज आई टोल्ड यू, विद सम ऑलिव्स एज वेल। और बहुत ही मज़े का खाना है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, वेरी नाइस। कुछ भी नहीं खा रहे, ओके जी। सो अब मैं ट्राई कर रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता विद सम प्रॉन्स, और बहुत मज़े का व्हाइट सॉस पास्ता, आई लाइक इट, और फूड वाज ग्रेट। नाउ वी आर अंडर द ओपन स्काई एंजॉयिंग आवर टी, ऑफ कोर्स चाय इन्जॉय कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऑफकोर्स समंदर की हवाएं हो वो भी इस टाइम की, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं बेटा, कहाँ बेटा, हाँ ऑलमोस्ट हाउस फुल है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऑफकोर्स हु वॉन्ट इन्जॉय सहरी, वो भी समुंदर के पास, किसको मज़ा नहीं आएगा, कोई मज़ा आएगा जैसे हमें आ रहा है। एंड बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखें आप हवाओं की आवाज़ भी सुन सकते हैं, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जब से बाहर आए हैं बच्चे तो ये लोग भी सुपर एक्टिव हो गए हैं, और मुझे इनके डेकोरेशन हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार पहले भी डिनर के लिए आ चुकी हूँ, उसका भी व्लॉग है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं, और वो है भी रूफ टॉप का, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि रूफ टॉप की जो डेकोरेशन है वो और ज़्यादा खूबसूरत है, आई लव इट, और आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो मैं वो डिनर व्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, तो आप वो भी जाके देखिएगा ज़रूर। चले के स्माइल करो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, नाउ वी आर लीविंग फॉर होम, एंड आई होप यू लाइक आवर वीडियो। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।